हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन टूल्स। गाइस, आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ स्टील का फ्राई पैन जो कि बाय हॉकिंग्स है। गाइस, स्टील आजकल काफी ट्रेंड में भी है, तो इसी को चलते हुए मैंने ये स्टील का फ्राई पैन लिया है जो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के सामने अनबॉक्स कर दूं। गाइस, सो विदाउट एनी डिलेइंग मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइस, सबसे पहले गाइस इसके अंदर एक ग्लास का लिड है जो कि कंपनी के द्वारा गिवन है। गाइस, उसके बाद इंस्ट्रक्शन मैनुअल है गाइस और एक फ्राई पैन है जो कि है ही। गाइस, अब इसे हम अनबॉक्स करते हैं इस तरीके से। गाइस, इसकी सील होती है हॉकिंग्स के फ्राई पैन के अंदर जो कि काफी अच्छी है। पैकिंग की मैं बात करूँ गाइस, पैकिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। सबसे पहले एक वुडन स्पैचुला है गाइस इस तरीके से। गाइस, वुडन स्पैचुला के बाद एक ग्लास का टफन ग्लास का लिड है जिसके ऊपर वुड का एक नॉब दिया हुआ है। गाइस, वो भी काफी सुंदर और काफी स्टाइलिश है। उसके बाद गाइस इस तरीके से फ्राई पैन है जिसका हैंडल की अगर मैं बात करूँ तो वुड फिनिश के अंदर इसका हैंडल है जिसे हम रोज वुड हैंडल कहते हैं। गाइस, और एक गाइस इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इस तरीके से हॉकिंग्स के द्वारा जो गिवन है। गाइस, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो रेसिपीज हैं वो भी कंपनी के द्वारा गिवन है, या आपने इसे कैसे यूज़ करना है, हाउ टू क्लीन, इसमें सब कुछ मेंशनड है। गाइस, वो भी आप अपना रीड कर सकते हैं। एक स्क्रबर है गाइस इस तरीके से, ब्लैक स्क्रबर है। आफ्टर डेट गाइस एक ये इसका ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील का कैजुअल, जी हाँ चेतावनी जिसे हम कहते हैं, वो भी गिवन है। गाइस, उसका भी कार्ड है ये इस तरीके से। गाइस, इसके साथ एक गारंटी कार्ड है। गारंटी गाइस सिर्फ स्टील क्रैक होने की हॉकिंग्स देता है, उसके अलावा और किसी भी चीज की इसमें कोई गारंटी नहीं आती। गाइस, गाइस इसमें जो स्टील यूज हुआ है वो है फूड ग्रेड 18x8 स्टेनलेस स्टील, जो कि जो इसका अंदर का सरफेस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। गाइस, काफी हैवी है, काफी स्टर्डी है। गाइस, ये पकड़ने में काफी अच्छा है। और मोटाई की मैं बात करूँ गाइस, 3mm अपने आप में ही काफी एक अच्छा हो जाता है, वेटेड हो जाता है। जितना ज्यादा स्टील में वेट होता है उतना बढ़िया रहता है। गाइस, ये इसका लिड है इस तरीके से, काफी सुंदर है। गाइस, ये इस तरीके से गाइस ये फ्राई पैन है विद स्टेनलेस स्टील बाय हॉकिंग्स, काफी अच्छा है। गाइस, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके नहीं, स्टील के सभी यूटेंसिल्स के होते हैं। जो भी आप गाइस स्टील में कुकिंग करते हैं वो हल्की आंच में करनी चाहिए, तेज आंच में नहीं करना, उससे क्या खाना जलना शुरू हो जाता है और यूटेंसिल भी काला हो जाता है। सो गाइस ऐसा ना करें, हमेशा धीरे आंच पे यूज करें इसे या मीडियम फ्लेम में, ज्यादा तेज ना करें। और गाइस इसके जो बेसिक है आप इसे गैस पे भी यूज कर सकते हैं, इंडक्शन पे भी यूज कर सकते हैं। गारंटी 5 ईयर्स की है हॉकिंग्स की, क्रैक नहीं होगा कभी भी। एमआरपी की गाइस मैं बात करूं तो एमआरपी 1450 की एमआरपी है, जिसमें कि बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है गाइस आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, उसे ओपन करके आप इसे परचेज भी कर सकते हैं गाइस। और गाइस इसके अलावा आप ट्राई प्लाई हॉकिंग्स में कुछ भी अनबॉक्सिंग मुझसे चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं वो भी आप लोगों के लिए अनबॉक्स कर दूंगा गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।